यहाँ पे जट डैडी ने नॉक किया है और AIMF रिवेल ने जट डैडी को नॉक किया। इन्हीं की तरफ हम सीधा चलते हैं, तो शायद टीम नंबर 15 की फाइट छोड़ चुकी है, हम उन्हीं की तरफ सीधा चलेंगे। जट डैडी को यहाँ पे नॉक और फिनिश ऑफ कर चुके हैं। AI के सेनाज ने यहाँ पे नॉक किया है, तो हम AI की तरफ भी चलेंगे। सेनाज ने यहाँ पे एग्जिस्ट के क्वार्ड्सो को फिनिश ऑफ कर दिया है। 4FD ने यहाँ पे टीम एज के हॉप को यहाँ पे नॉक कर दिया है। सांगवान इधर है तो सेनाज किधर है? सेनाज एक किल लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। टीम बीओ की तरफ नज़र डाले तो अभी यहाँ पे कुछ फाइट उतनी है नहीं। यहाँ पे IMF के रिवेल ने बस एक नॉक किया है, यहाँ पे फिनिश भी किया है उनको। और FD की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सीनियर OP और उनके साथ उनके टीममेट रियोगा, डैक्स OP और ब्रूटल चारों आसपास ही हैं। यहाँ पे RIP के प्रेम, AG की यहाँ पर टीम अभी थोड़ी संकट में है क्योंकि उनके ऑफ को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डैमेज देता, नॉक कर दिया था इनको, फिनिश ऑफ नहीं कर पाए, पर अभी भी सेफ है। इनके पास कंपाउंड ज़्यादा नहीं है लूट करने के लिए। जो सर्कल जो शिफ्ट हुआ है वो है नोवो से लेकर पोचिंग की, रोजो, यास्ने, पोलियन और मेंशन, साथ में लिपोपको और मिल्टा पावर, प्रिजन और शेल्टर। अभी जो है सेंटर जोन बना हुआ है और टीमें अभी काफ़ी हैं जोन के बाहर, सिर्फ चार टीमें ही, अभी पांच टीमें अभी जोन के अंदर हैं। शायद फायरिंग देख के बुलाना चाह रहे हैं अपनी तरफ। फोर FD रुगा ने डेड निराकार को यहाँ पे नॉक किया है। यहाँ पे नीरज के यार उठ चुके हैं वापस, यहाँ पे हील लगा के रिवाइव हो चुके हैं। टीम नंबर 15 रोटेशन लेते हुए जोन में आती हुई, टीम नंबर 16, 4 और 10 यहाँ पे काफ़ी आसपास है, गुत्थम गुत्था हो चुकी है आपस में। ब्रूटल यहाँ पे TPP ले रहे थे, यहाँ पे सीनियर OP भी कंपाउंड ऑलमोस्ट होल्ड करके रखे हुए हैं। स्पेक्टेड ग्लिच यहाँ पे,
थोड़ा जो एक्सपेक्टेड ग्लिच हो चुका है अभी हमारे में। और ये सही हो गया एक्सपेक्टेड ग्लिच। तो गोलियां अभी 4FD चलाती हुई रोटेशन जरूर ले रहे हैं यहाँ पर। ये टीम नंबर 4 यहाँ पे रोटेशन लेती हुई निकल रही है जोन के बाहर, जोन की तरफ निकलती हुई। और यहाँ पहले एयर ड्रॉप में आए ये M249 Level 3 के हेलमेट वेस्ट और बैकपैक के साथ, और साथ ही एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ AR की। यहाँ अगली फाइट जो हमें देखने को मिल सकती तो वो हुई नहीं है। टीम नंबर 5 वो 13 की तरफ चलते हैं, प्रोबेबली यहाँ कुछ फाइट होने की उम्मीद। यहाँ पर स्पॉट तो किया था स्कूल के हिल के पास है, यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं पोजीशन। एक पोजीशन अभी होल्ड करके रखी है, हाई जोन का एडवांटेज यहाँ पे जरूर रहेगा। पर यहाँ पर रैक्स पल ने नॉक किया है, 4FD सीनियर OP भी नॉक हो चुके हैं यहाँ पर। कवर फायर इनको दिया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेके आए हैं यहाँ पे चर्च पर। गोली वाइप ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पर, डार्क शॉप ही यहाँ पे इनको देते हुए रिवाइव। टीम नंबर 4 जोन के बाहर चली गई, शायद लूट करके वापस आना चाहे जोन में। रोज लोग केल के पास में थोड़ी बहुत फाइट देखने को मिल सकती है, पर अभी सब जोन के अंदर पुशिंग करना चाहेंगे। टीम नंबर 7 अभी जोन की तरफ बढ़ती हुई धीरे धीरे, टीम नंबर 14, टीम नंबर 11 और टीम नंबर 8, टीम नंबर 2 यहाँ पे 4 गाड़ियों के साथ अंदर आती हुई जोन में। शायद टीम नंबर 3 एयर ड्रॉप की तरफ जा सकती है, काफी ज्यादा शॉट्स यहाँ पे दे रहे हैं सीनियर OP को। यहाँ पर टाइटन कैनेमहन को यहाँ पे नॉक किया है, डेड निराकार को पूरा फिनिश कर दिया है। एक रोटेशन तो यहाँ पे जरूर ली गई यहाँ पे अज्जू ने, दूसरा एयर ड्रॉप। इसमें AWM Level 3 हेलमेट वेस्ट और बैकपैक, और साथ में टैक्टिकल स्टॉक M4 के लिए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए मिड रेंज के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी ज़्यादा हौच पौच होता हुआ है। टीम नंबर 4 वापस पीछे से आई है, टीम नंबर 8 अभी भी जोन में ही है, होल्ड कर रही है जोन के बाहर, इतनी लूट कर रहे हैं। अभी पहला जोन है तो इतना ज़्यादा डैमेज खाएंगे नहीं है। अभी टीम नंबर 3 और 9 ड्रॉप के पास ही है, टीम नंबर 7 और 14 आसपास है।
बेसिक जो है अपने वो लूट करते हुए आ रहे हैं अभी। नौकर फिनिश ऑफ कर दिया यहाँ पे ओजी अज्जू को, क्लोजर 23 ओजू अज्जू और इन्होंने की टीम ने, ओजी की टीम ने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दी पूरी एक टीम, शायद टॉक्सिक की टीम को उन्होंने फिनिश किया है। जी हाँ, टॉक्सिक की टीम को उन्होंने फिनिश कर दिया। तो पहली टीम जो बाहर हुई थी वो थी टाइटन की, और दूसरी जो टीम अभी बाहर हुई है वो टॉक्सिक की। पहले सर्कल के बनने से पहले हमें एक अर्ली एग्जिट देखने को मिली है। हाँ नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर से खा रहा हूँ, थोड़ी देर से खा रहा हूँ। टीम नंबर टू धीरे धीरे जोन की तरफ बढ़ती हुई, टीम नंबर 10 यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश कर रही है। टीम नंबर 2 यहाँ पर रोटेशन लेती हुई आ रही है, रिच पे शायद स्पॉट कर लेंगे यहाँ पर टीम नो के जूस। तीसरा ड्रॉप आता हुआ यहाँ पे नो मैक्स ने नॉक किया है नो पेंडा को। तीसरा एयर ड्रॉप जिसमें लेवल 3 हेलमेट वेस्ट और बैकपैक और साथ में DBS और एक स्नाइपर की एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ। डेड ने राज कर यहाँ पे नॉक हुए थे, फिनिश ऑफ भी हो चुके हैं और यहाँ पे नोजी उसको, और यहाँ पे गलती कर दी, गलत पोजीशन पे चले गए थे और यहाँ पे काफ़ी इजी नॉक। नोमैक्स भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे 3 प्लेयर नॉक हो चुके हैं और यहाँ पे फिनिश हो गई है टीम। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे पुश हमें देखने को मिला टीम नो का। शायद टीमों की दो टीमें थी यहाँ पर, नॉक और फिनिश ऑफ। दूसरी टीम हमारी वाइप आउट होती हुई यहाँ पे 3 किल आए, नो इरा के पास है 2 किल और मैक्स के पास 1 किल। टाइटेनियम हंट यहाँ पर गाड़ी फोड़ने की कोशिश की जा रही है, बीओ पे फायरिंग आती हुई यहाँ पे, एक गाड़ी सेव करिए दूसरी को भी सेव रखना चाहेंगे। टीम ओजी यहाँ पे रोटेशन लेते हुए, टाइटेनियम हंट ने बीओ के स्प्रे को यहाँ पे नॉक किया है। रिकॉर्ड यहाँ पे नॉक के बाद हील हो चुके हैं, उनको अभी रिवाइव भी मिल चुका है, हील अप करना ज़रूर चाहेंगे। और यहाँ पे स्ले की तरफ से कोई भी रशिंग नहीं देखने को मिला है,
होल्ड कर रहे हैं अभी अपनी पोजीशन, जो डैमेज देना था डील दे चुके हैं डैमेज। जोन यहाँ फिर श्रिंक होता हुआ और जोन गया अभी यहाँ पे फार्म की तरफ, थोड़ा बहुत एरिया शेल्टर का और मिल्टा का थोड़ा सा लगता हुआ एरिया है, और बाकी स्कूल के पास के जो अपार्टमेंट्स हैं उनके पीछे वाला हाई जोन मिला है जोन में। टीम नंबर 7 अभी जोन के बीच में है और उनके पास कंपाउंड भी है, टीम 2 के पास भी कंपाउंड है। टीम OG यहाँ पे क्लोज इन करती हुई कंपाउंड होल्ड करने के लिए, और टीम यहाँ पे IMF ने नॉक किया भी, अक्षय OP ने भी यहाँ पे टीम AG के प्लेयर को नॉक किया है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कवर फायर मिल देखने को मिल रहा है एक दूसरे को। टीम BO यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, अपना भी एक टीममेट खो जाता है यहाँ पे पहले, पर इस बार इन्होंने बढ़िया पुश इन किया और फिनिश ऑफ कर दिए। BO की टीम इसी के साथ बाहर होती हुई, चौथा ये ड्रॉप आता हुआ हमारा, इसमें ये ऑग 4X लेवल 3 कैलमेट वेस्ट बैकपैक गिरी सूट, और यहाँ 4FD के लूगा भी नॉक हो चुके हैं। 4FD की तरफ चलते हैं, 4FD के टैक्स OP को यहाँ पर फिनिश कर दिया है, बचे सीनियर OP और ब्रूटल। टीम के पास अपर हिल 16 पर रशिंग कर सकते हैं अगर चाहे तो। टीम नंबर 9 पीछे से कवरिंग फायरिंग करती हुई इनके ऊपर, और अगर 16 पे अभी रश करते हैं तो इनको भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे एक नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी लो NHP, दो यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, और यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया 4FD को, तो हमारी 4FD भी बाहर होती हुई। दोनों के यहाँ पर टीम नंबर 2 भी यहाँ पर फायरिंग देती हुई, टीमें बची है 9, अपने अपने टीममेट्स को उठाया जाएगा, रिवाइव भी देंगे उन्हें। टीम 2 ने शायद यहाँ पे पोशन कर दिया है, इन पे घेरेंगे दो साइड से घेरने की कोशिश करेंगे, अगर अपर हिल जाते तो इन्हें काफ़ी डिसएडवांटेज होगा। जी टीम 9 यहाँ पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पे घेरती हुई एक हाई रिज पे, और यहाँ पे 2 नॉक 3 नॉक इसी के साथ एक फिनिश भी कर चुके हैं। यहाँ पे मैक्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायर्ड अप है, लो 1 HP है, पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डैमेज दे चुके हैं पहले ही। यहाँ पे हील हो जाएंगे फ्री दो पी, शायद स्लैम इन करेंगे यहाँ पर मैक्स। टीम नंबर 2 पूरी तरीके से स्लैमिंग कर रही है अंदर, यहाँ पे हिल अप हो चुके हैं, नेड शायद आर पार हो गया है यहाँ पे, और बढ़िया नेड इसी के साथ विपुल ने बहुत ही शानदार नेड किया, और 2 प्लेयर को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया। 9 एरा की तरफ चलते हैं, अकेले फाइट ले रहे हैं वहाँ पे ऊपर, वहाँ पे जोन एक और बार श्रिंक हो चुका है। टीम नंबर 9 यहाँ पर टीम नंबर 8 पे यहाँ पर फायरिंग देती हुई, पीछे से टीम नंबर 2 भी इन पर फायरिंग दे रही है। एक साथ मल्टीपल जगह फाइट लेने पे हमेशा लॉस ही होता है, और यहाँ पे शायद आर्थर को पता नहीं है जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पहले से ही टीम नंबर 2 के बंदे हैं, स्पॉट हो गए तो इन्हें इंस्टेंट फिनिश कर दिया जाएगा। और यहाँ बहुत ही चतुराई से जोन की तरफ निकलते हुए, ये बढ़िया ही रेंज पे इन्होंने गाड़ी लगाई है अपनी, जहाँ से कवर फायर देना चाहेंगे अपनी टीम को तो बहुत ही बड़ी कवर फायर दे सकते हैं। टीम नंबर 7 यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड कर रही है, यहाँ पे OG के अज्जू ने स्लेक वाहन को भी नॉक कर दिया गया है यहाँ पे।
IMF क्रिप्टो ने यहाँ पे नॉक किया है, क्रिप्टो की तरफ चलते हैं। तो टीम AG की तरफ यहाँ पे जाते हुए संकट के बाद यहाँ पे क्लोजर ने स्लेगॉन को फिनिश कर दिया है, OGH जो ने यहाँ पर टाइटन हंट को फिनिश कर दिया और OGM मतलब पिछले विलन को फिनिश कर दिया, और IMF शायद पीछे से इन पर आती हुई टीम नंबर 4 पर। V2 के प्रोफेसर को यहाँ पे मैच ने नॉक किया है, IMFC यहाँ पे नॉक किया है टीम नॉकर। IMF और यहाँ पे बहुत ही शानदार बैटल चलती हुई नॉक और फिनिश कर दिया, यहाँ पे सोलो बचे हैं यहाँ पे शायद अभी, और यहाँ पे 2v2 की सिचुएशन पर यहाँ पे दोनों को नॉक करा और फिनिश ऑफ भी करेंगे, और इसके बाद फिनिश एक और प्लेयर को नॉक किया है यहाँ पे टीम AG, यहाँ पे काफ़ी डिसएडवांटेज में अभी दो प्लेयर गवाए हैं, पर दो प्लेयर तीन प्लेयर इन्होंने फिनिश ऑफ भी किए हैं। फ्रैग गॉड पीछे से आते हुए यहाँ पे अपने टीममेट को यहाँ पे हील देना चाहेंगे, गाड़ी इनके पास ज़रूर है, यहाँ पे जोन में भी निकल सकते क्योंकि ये जोन का डैमेज बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इनको हीलअप करके निकलना ज़रूर चाहेंगे। B2 के नाइट मेरे के साथ फिनिश ऑफ होते हुए, और ये गलती पहले डायरेक्ट हील करना चाहते हैं, और यहाँ पे IMF फ्रैग गॉड ने कंफर्म इनकी टीम समाप्त कर दी है। जोन का डैमेज काफ़ी ज़्यादा लेते हुए सांगवान यहाँ पे खड़े हुए एक किल के साथ, AI की टीम टीम नो से सिर्फ मैक्स बचे हुए तीन किल के साथ, और यहाँ पे B2 के CR गॉड को शायद स्पॉट कर लिया है। और यहाँ पे B2 का के CR गॉड को नॉक कर दिया है, फिनिश ऑफ भी कर देंगे। B2 के दूसरे प्लेयर आते हैं पीछे से, प्रोफेसर काफ़ी दूर है, आमने सामने की बैटल यहाँ पे, और यहाँ पे खड़े खड़े गोली मारने की कोशिश पर वहाँ पे जिगल फायर देते हुए फिनिश ऑफ कर दिया है। इसी के साथ तुम्हारे पास बची है चार पांच टीमें, B2K, AI, एग्जिस्ट, IMF और क्लोजर। तो अभी AI से दो प्लेयर बचे, एग्जिस्ट से तीन है, IMF के सोलो हैं, B2K के भी सोलो हैं, और अभी जो है OG की टीम है अभी फुल मैन स्क्वाड है, यानी कि चार के चार उनके प्लेयर अलाइव हैं, तो उनके साथ एडवांटेज तो भी रहेगा। ग्यारह प्लेयर अलाइव, उसमें से अभी से पांच टीमें बची हुई हैं, B2K को शायद इसमें यहाँ पे स्पॉट कर लिया है, और इसी के साथ प्रोफेसर की कहानी खत्म। B2K यहाँ पे बाहर होती हुई इस मैच से, तो हमारे टीम में बची है चार प्लेयर बचे हैं 10। IMF के फ्रैंक गॉड ने यहाँ पे OGLU को नॉक किया है, प्लेयर जो बचे थे उनको फिनिश ऑफ कर दिया गया, उनकी भी कहानी खत्म, अपनी टीम से सोलो सर्वाइव कर रहे थे और जरूर बढ़ाए होंगे अपनी टीम के लिए। टीम नंबर 7 अभी भी जोन का में जो घर पे उन्होंने होल्ड किया था कंपाउंड्स में, वो अभी भी उन्हीं के पास है, फेवर में उनके काफ़ी। आई जोन को यहाँ पे अच्छी तरीके से देख रहे हैं, टीम नंबर 7 का जो कंपाउंड है उनके पास, एग्जिस्ट के पास की जो कंपाउंड इन्होंने होल्ड किया था, जिनको हिलने की जरूरत नहीं पड़ी है, कंटिन्यू जोन इन्हीं के फेवर में आ रहा था, और AI यहाँ पे स्पॉट पे जीत रहा है। AI सेना ने एग्जिस्ट के मिथेस को नॉक किया है, और सांगवान ऑलमोस्ट नॉक होते होते वैसे काफ़ी लोग HP आ चुके हैं, क्या ये नेट कनेक्ट कर पाएंगे,
बहुत ही बढ़िया नेट यहाँ पे सारे क्वालिटी का, दोनों को एक साथ ख़त्म कर दिया, एक नेट दो किल। और यहाँ पे अब दो टीमें बची हैं, 7 प्लेयर बचे हैं, टीम 7 के पास अभी भी मेन एडवांटेज है, सॉरी टीम 13 के पास मेन एडवांटेज है। 4v3 की सिचुएशन है यहाँ पे, अगर इस जोन को अच्छे से होल्ड कर पाते हैं तो एग्जिस्ट के जीतने के चांसेस हैं अभी भी। काफ़ी लो एचपी कर दिया था यहाँ पे अज्जू को, सॉरी टीएसएम एक्सी को, एक्स काफ़ी बढ़िया कवर फायर, एसके से काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फायर दे रहे थे, बॉट्स की भी लाइफ काफ़ी लो हो चुकी है। यहाँ पे क्लोज़र जो है यहाँ पे फ्लैंक करके आ चुके हैं और उन्होंने नॉक किया यहाँ पे एग्जिट से क्वालिटी को, एग्जिस्ट के साइड वाइट को नॉक किया है। यहाँ पे नेट काफ़ी दूर उनसे, क्लोजर ने अभी फिनिश ऑफ कर दिया है, काफ़ी बढ़िया फ्लैंक लेके गए थे। जो टीम 13 के फेवर की तरफ जाता हुआ मितेश ने यहाँ पे अज्जू को नॉक किया है, बढ़िया स्मोक डाल रहे हैं यहाँ पर। क्लोजर इनको दिक्कत दे सकते हैं क्योंकि क्लोजर दूर है, और यहाँ पे जो हील अप हो चुके हैं उनको रिवाइव मिल चुका है, और अब यहाँ पे नीडिंग की जाएगी। क्लोजर जो कि एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन लेके बैठे ही हुए हैं पहले ही, और यहाँ पे मितेश नॉक हो गए हैं अज्जू के नेट से, वो नॉक हो चुके हैं, और यहाँ पे कंटिन्यू स्प्रे, रैंडम स्प्रे जो कि स्मोक के थ्रू दिया जा रहा है, और यहाँ पे ओजी के अमित अंदर आ गए हैं। यहाँ पर रैंडम फायरिंग जो दी जा रही है बहुत ही शानदार दी जा रही है, और यहाँ पे फिनिश ऑफ कर देंगे इसी के साथ एग्जिस्ट की टीम। मैच हार गई ये वाला और जीती है ओजी की टीम 9 किल के साथ। एग्जिस्ट की टीम सेकंड पोजीशन पर आई है 4 किल के साथ। एआई टीम यहाँ पे थ्री में, टॉप 3 में जगह बना पाई है 2 किल के साथ। काफ़ी बढ़िया मैच।